नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। हम मौजूद हैं यूपी के मऊ जनपद में और शारदानंद अस्पताल में। नाम सभी लोग जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक और उपलब्धि हासिल हुई है शारदानंद अस्पताल को। यहाँ पर डॉक्टर एकिका सिंह, जो स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं और इसमें IVF पर बेहतरीन काम कर रही हैं, उन्हें मुंबई में सम्मानित किया गया है। फॉक्सी की तरफ से ये पूरा जो ऑल इंडिया सेमिनार था, वहां पर इन्हें सम्मानित किया गया है और आप ट्रॉफी देख सकते हैं और सामने आपके मैडम खुद मौजूद हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको सबसे तेज न्यूज की तरफ से। कैसा रहा ये एक्सपीरियंस आपका यहाँ मऊ से और आपको मुंबई में सम्मानित किया गया? बहुत अच्छा लगा। मतलब अगर आपके काम को कोई भी अप्रिशिएट करता है तो अच्छा लगता है। और जब आप छोटी जगह से बड़ी जगह जाते हैं और वहाँ जब लोगों को पता चलता है कि छोटी जगहों पे भी उसी तरह से काम हो रहा है, उसी लेवल का काम हो रहा है जो एक बड़ी मेट्रो सिटी में होता है, तो वो इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। तो आपके काम को जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं जब वो जानने लगते हैं तो वो एक आपको बहुत अच्छी फीलिंग है। अच्छा, क्या कुछ रहा आपने जब शुरू किया था IVF और यहाँ पर जब एक डॉक्टर की हैसियत से शुरू किया था उसमें, और अब एक स्टेज ऐसी आ रही है जब आपको सम्मान और सम्मान लगातार मिल रहे हैं, तो कितना ये सफर कैसा रहा? देखिए, जिस समय जब मैं मऊ आई थी, मैं मेरे यहाँ से 10 साल से ऊपर हो गया मुझे मऊ आए हुए, जब मैं यहाँ शुरू में आई थी तो मुझे ये एहसास हुआ था कि यहाँ बहुत काम की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ नहीं की जाती हैं, सही तरीके से नहीं की जाती हैं, तो एक सही प्रोफेशनल गाइडेंस के साथ काम की ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली विद द सपोर्ट ऑफ डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर सुजीत एंड डॉक्टर मधुलिका, मैंने यहाँ काम शुरू किया और धीरे धीरे जो है हमने एक ऑब्स्टेटिक के लेवल को, जिसमें कि आप स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो स्त्री और प्रसूति रोग होता है, उसको हमने एक अपलिफ्ट किया उसके लेवल को। जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती थी, जिनको मान लीजिए दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, पीलिया है, हार्ट की चीज़ है, जिसके लिए लोगों को इधर उधर भगा दिया जाता था, हमने एटलीस्ट उनको जो है यहाँ केयर देकर उनको काम करना शुरू किया। 2005 के आखिर में, आप समझ लीजिए 2015 के आखिर में या 2016 में हमने IVF सेंटर की यहाँ शुरुआत की। तो शुरू में जब हमने शुरुआत की तो उस समय हम लोगों को, हर एक को एक थोड़ा सा हिचकन थी कि आप छोटी जगह पे एक बड़े काम की शुरुआत कर रहे हैं तो आपका काम की सफलता कितना रहेगी और पेशेंट का एक्सेप्टेंस कैसा रहेगा, वो भी मायने रखता है। लेकिन हमने एक चीज़ देखी कि जब आप अच्छा काम करते हैं और वही सुविधाएं जो बड़े शहरों में उपलब्ध हैं और शायद इससे ज़्यादा थोड़ा महंगे स्तर पर उपलब्ध हैं, वही चीज़ें जब आप मरीजों के लिए देते हैं तो उनके लिए एक वरदान साबित होते हैं। और धीरे 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 जब उसमें आप काम करने लगते हैं तो मरीज से मरीज़ आपका जुड़ना शुरू होता है। तो आज IVF में हमको 3.5-4 साल हो गया है हमारी पूरी टीम को, जिसमें डॉक्टर मधुलिका का मेरे साथ बहुत बड़ा हाथ है और इस कारण से हम लगभग, आप समझ लीजिए, 900 से 1000 निसंतान दंपतियों को संतान दे पाए हैं और हर महीने हम कम से कम 25 से 30 लोगों का टेस्ट करते हैं या IVF करते हैं। तो जब इस काम को आपकी सराहना की जाती है, जो हमारी प्रेसिडेंट है डॉक्टर नंदिता पाल सेलकर, उनकी इस साल की थीम थी We Are For Stree, सेफर स्मार्टर एंड स्ट्रॉन्गर फीमेल, तो उनकी जो पूरी टीम थी उन्होंने जब देखा तो दे वॉन्टेड टू टेक आउट ऑल दोज डॉक्टर्स जो छोटी जगहों पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पेशेंट के हेल्थ के सिस्टम को एक अपग्रेडेड वे में काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को उन्होंने चिन्हित किया और उनको लगा कि ये एक्चुअली सही दावेदार हैं और दे आर द पीपल हु शुड बी अवॉर्डेड फॉर दैट। अच्छा, किस तरह का सेमिनार था ये, क्या था पूरे इसके बारे में? जो है एक कॉन्फ्रेंस थी जिसको हम लोग कंसेप्शन टू डिलीवरी कहते हैं, कि बच्चे के रोकने से लेकर डिलीवरी तक के समय में कॉन्फ्रेंस थी। उस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ये हमारा प्रोग्राम था जिसके अंदर उन्होंने ये 112-115 लोग जो भी उन्होंने चिन्हित किए थे उनको अवार्ड दिए। और बाकी जो एक हमारी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें हम केस डिस्कस करते हैं, हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं और बाकी सीरियस पेशेंट्स को कैसे आप आगे संभाल सकते हैं, वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, तो वो सारी चीज़ें। आगे अब आपका क्या मिशन है, कुछ नया मुंह में करने का क्या है? जी बिल्कुल, बेसिकली अभी तो अब IVF जब हमारा सेटल होता जा रहा है, मरीजों को बहुत विश्वास भी है। एक और चीज़ जिसकी मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पूर्वांचल में कमी है और जिसके लिए लेडीज़ परेशान होती रहती हैं, वो है यूरोगायनोकोलॉजी। यूरोगायनोकोलॉजी इज़ रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर उनके अंदरूनी अंग और बाकी चीज़ों के लिए इलाज जो है लेज़र द्वारा या बिल्कुल लेटेस्ट मशीनों द्वारा किए जाते हैं। तो प्रॉब्ली इन कमिंग 1 ईयर विल बी कमिंग।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। ये थी डॉक्टर एकिका जो बात कर रही थी सम्मान पाने के बाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।